चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है सबको क्लियर? तो लास्ट क्लास में अपन लोगों ने जो ट्रांसफार्मर में इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर, इसकी अपन ने इसके बारे में पढ़ा था। तो मैं एक बार, जो लोग नहीं थे, एक बार उन लोगों के लिए एक बार छोटा था उसका ब्रीफ दे देता हूँ कि जैसे कि कोई भी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर की बात अगर अपन करते हैं, तो फॉर दैट इक्विवेलेंट सर्किट इसमें सबसे पहले जो चीज देखी जाती है वो ये देखा जाता है कि कौन कौन से पैरामीटर्स गिवन है इसमें। ठीक है, तो अगर पैरामीटर की बात हो रही है तो फॉर दैट एक तो आपका प्राइमरी साइड है, एक आपका सेकेंडरी साइड है। अब इन दोनों में ही अपन क्या करते हैं कि यहाँ पे प्राइमरी में जो कंपोनेंट है वो है आपका R1X1, R0X0, IW, IMU, I0, I1 डैश, और सेकेंडरी में जो आपका इसमें कंपोनेंट है वो है आपका इसमें R2X2, जो आपका इसमें वाई इसमें सेकेंडरी का रेजिस्टेंस और सेकेंडरी का रिएक्टेंस है। तो इसी के साथ सबसे पहले जो अपन ने देखा था वो देखा था कि जब अपन ने प्राइमरी साइड के पैरामीटर्स को सेकेंडरी साइड में रेफर्ड किया था, प्राइमरी सॉरी सेकेंडरी साइड के पैरामीटर को जो प्राइमरी साइड रेफर्ड किया था, तो अपन ने इसमें जो पैरामीटर जो अपन ने यूज करे थे उसमें जो R2 जो था आपका रेजिस्टेंस, सेकेंडरी रेजिस्टेंस, उसकी जगह अपन ने जो पैरामीटर लिया था वो अपना R2 डैश, और रिएक्टेंस जो लिया था फॉर दैट रिएक्टेंस वी विल टेक द कंपोनेंट ऑफ X2 डैश। ये दो चीजें अपन ने ली थी इसमें। अब इसी के साथ ही ये तो आपने देख लिया था, और इसी में जब अपन इसमें क्या कर रहे हैं, व्हेन वी आर रिफर्ड टू प्राइम सेकेंडरी साइट, सेकेंडरी साइट में जब R1 डैश की वैल्यू आप रिफर्ड कर रहे हैं तो वो वैल्यू आ रही है आपकी R1 डैश इक्वल टू R1 इंटू K²। अब यहाँ पे K की वैल्यू क्या है, द वैल्यू ऑफ K इज N2 बाय N1, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग। ये आपकी इसमें K की वैल्यू यहाँ पे डिफाइन हो रही है। ठीक है, अब K की वैल्यू डिफाइन हो रही है, इसका मतलब ये है कि अपन सेकेंडरी साइड कर रहे हैं तो हमेशा न्यूमरेटर में जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या रहेगी आपकी, N2 वैल्यू। क्लियर। उसके बाद अपन ने देखा था इसमें वोल्टेज रेगुलेशन। तो वोल्टेज रेगुलेशन का सिंपल मतलब क्या होता है कि जब भी कभी कोई भी वोल्टेज, अगर आपका सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज, सबसे पहले क्या होता है ट्रांसफार्मर को अपन किस फॉर्म में लेते हैं, वी आर टेकिंग द ट्रांसफार्मर इन द कंडीशन ऑफ नो लोड कंडीशन। सबसे पहले उसको नो लोड कंडीशन लिया जाता है, तो नो लोड में जो वैल्यू है वो है आपकी E2, जो नो लोड कंडीशन में जो आपका वोल्टेज है, और जब उसको अपन ने फुल लोड कंडीशन में लिया है तो उसको फुल लोड कंडीशन में उसकी वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है इसमें आपकी V2, V2 वैल्यू आ रही है। तो परसेंटेज रेगुलेशन जो आपके इसमें वैल्यू आ रही है, दैट वैल्यू ऑफ परसेंटेज रेगुलेशन इक्वल टू E2 माइनस V2 अपॉन बाय E2 मल्टीप्लाई बाय 100, ये इसमें वैल्यू आएगी वोल्टेज रेगुलेशन की। ठीक है, अब यहाँ पे E2 माइनस V2 का यहाँ पे इसमें आपका जो है, दिस इज एक्चुअल द वोल्टेज ड्रॉप, मतलब जब भी कभी अपन सेकेंडरी साइड की बात करते हैं तो उसका वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे आएगा। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे एक तो आपका रेजिस्टेंस है, एक आपका रिएक्टेंस है। ठीक है, सेकेंडरी साइड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज RES एंड द वैल्यू ऑफ रिएक्टेंस इज XES। अब यहाँ पे RES और XES का मतलब क्या है कि प्राइमरी का भी जो रेजिस्टेंस है वो अपन ने सेकेंडरी साइड में रिफर्ड कर दिया है, और जो रिएक्टेंस है वो भी अपन ने सेकेंडरी साइड में रिफर्ड कर दिया है, जिससे कि जो RES की वैल्यू है, यहाँ पे कोई बताएगा यहाँ पे RES की वैल्यू क्या है, क्या ली थी अपन ने, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RES फॉर दैट, RES की वैल्यू क्या लेके चलेंगे इसमें अपन बताएं, जब अपन परसेंटेज रेगुलेशन निकालते हैं और उसमें RES की वैल्यू फाइंड आउट करी जाती है तो उसकी वैल्यू क्या अज्यूम करके चलते हैं, क्या फॉर्मूले, किस फॉर्मूले से उसकी वैल्यू अपन फाइंड आउट करते हैं बताएं बेटा, RES और XES की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, वैल्यू मतलब फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या रहेगा उसका, कोई भी बताएं, ये टॉपिक तो पढ़ चुके हैं बेटा अपन, बताओ जल्दी इसमें RES और XES की वैल्यू फॉर्मूला क्या रहेगा। पर R2 प्लस R1 डैश
हाँ, आर ई एस की वैल्यू हो जाएगी आपकी R2 + R1, बिल्कुल सही। और X2 + X1। X2 + X1, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो आपका प्राइमरी का जो आपका कंपोनेंट था वो अपन ने सेकेंडरी में रिफर कर दिया है। इट मीन्स दैट जो R1 की वैल्यू है वो क्या रहेगी आपकी, R1 × K²। यही होगा, मतलब वो आपका K² टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब N2 / N1 क्यों, क्योंकि अपन सेकेंडरी साइड इसको रिफर कर रहे हैं। तो उसी से जो वैल्यू आई थी आपकी, जो वोल्टेज ड्रॉप अपन इसमें लेके चल रहे हैं, वो आया आपका R2 res cos φ + -I2 xes sin φ / E2। और यहाँ पे प्लस माइनस का नोटेशन जो अपन लेते हैं वो लेके चलते हैं अपन, पॉजिटिव साइन इज फॉर लैगिंग पावर फैक्टर एंड नेगेटिव साइन इज फॉर लीडिंग पावर फैक्टर। ये दो कन्वेंशन इसमें अपन लेके चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखा था अपन ने लॉसेस, मतलब दो टाइप के अपन लॉसेस हैं, आयरन लॉस और अपना कॉपर लॉस। और आयरन लॉस को ही अपन दूसरा नाम क्या दे देते हैं, वी ऑल्सो से द आयरन लॉस एज अ कोर लॉस, उसको अपन कोर लॉस भी बोल सकते हैं जो आयरन लॉस अपन इसमें लेके चलते हैं। और नेक्स्ट इज द कॉपर लॉस, ठीक है। मतलब जो भी प्राइमरी में और सेकेंडरी में जो भी आपका इसमें आपका रेजिस्टेंस प्रेजेंट रहेगा, उसकी पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव वैल्यू में अपन जो वैल्यू लेके चलते हैं, वी विल टेक द वैल्यू ऑफ कॉपर लॉस इन दिस सर्किट या इन दिस लॉस पैरामीटर। सिमिलरली एक आपका टर्म है इसमें एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी की जब भी कभी बात होती है तो एफिशिएंसी में एक्चुअल में अपन जो बात करते हैं, तो एफिशिएंसी फॉर द वैल्यू ऑफ एफिशिएंसी वी विल टेक द टर्म ऑफ ईटा इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। मतलब कितना आपका आउटपुट है डिवाइड बाय कितना आपको इनपुट मिल रहा है, इससे अपन एफिशिएंसी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। और जो इनपुट पावर है इट इज ऑल्सो इक्वल टू द आउटपुट पावर प्लस लॉसेस। तो जो ईटा की वैल्यू अपन इसमें फाइंड आउट करते हैं एफिशिएंसी फॉर अ ट्रांसफॉर्मर, यानी ट्रांसफॉर्मर, वो क्या हो जाता है आपका आउटपुट पावर डिवाइड बाय आउटपुट पावर प्लस आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस, इसके टर्म में आ जाता है आपका, ठीक है। अब ये तो हो रहा है आपका V2I2 cos φ डिवाइड बाय V2I2 cos φ प्लस पी आयरन, ये आपका हो जाएगा पी आई, ये हो गया आपका आयरन लॉस, एंड पी सी दिस इज योअर कॉपर लॉस। ये दो वैल्यू इसमें आपकी हो रही है। ये तो हो गया आपका सिंपल जो अपन लोड लेके चल रहे हैं। मान के चलिए इसमें अपन x इज अ फ्रैक्शन ऑफ फुल लोड अपने ले लिया अपन ने इसमें, तो फॉर दैट जो x की वैल्यू है वो आपकी आउटपुट पावर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस आयरन लॉस में तो कोई चेंज नहीं आएगा, बस क्योंकि कॉपर लॉस जो है वो आपका I²R लॉस है, तो जहां भी करंट कंपोनेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंगली आपका फ्रैक्शन भी वेरी होगा, ठीक है। तो अगर फ्रैक्शन आपका x टाइम्स है तो यहाँ पे जो आयरन लॉस के साथ अपन ने यहाँ पे लेके चल रहे हैं वो अपन क्या लेके चल रहे हैं, फॉर दैट वी विल टेक द टर्म ऑफ X² टर्म। यहाँ पे X² टर्म हम यहाँ पे फॉर दैट कॉपर लॉस इसको अपन कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से जो ईटा एफिशिएंसी आपकी आ रही है वो आ रही है आपकी X × V2I2 cos φ डिवाइड बाय X × V2I2 cos φ प्लस पी आयरन प्लस X² टाइम्स ऑफ पी कॉपर। पी कॉपर वही है आपका I²res। अब यहाँ पे जो आपकी एक्स इज अ फ्रैक्शन ऑफ फुल लोड, इसका मतलब जो है इससे अपन ये इंडिकेट कर रहे हैं कि एक्स की वैल्यू आपकी 1/2 भी हो सकती है और एक्स की वैल्यू आपकी 1/4 भी हो सकती है। दोनों की दोनों वैल्यू अपन इसमें, वो डिपेंड करेगा कि न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है, मतलब ये कंडीशन आपकी गिवन रहती है, दिस कंडीशन इज गिवन इन न्यूमेरिकल, ठीक है ना। ये न्यूमेरिकल में कंडीशन आपको दी होगी कि यहाँ पे ये कंडीशन के अकॉर्डिंगली इसको अपन को एक्स को वेरी करना है ना। सिमिलरली एक चीज अपन ने और देखी थी इसमें, कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए अपन जो अपना डेरिवेटिव कंपोनेंट लेके चलते हैं उसमें क्या करते हैं अपना, कि जो भी आपका डिनोमिनेटर कंपोनेंट रहेगा उसका डेरिवेटिव जो रहेगा वो आपका जीरो हो जाएगा। इट मींस दैट कि अपन इसमें क्या लेके चलते हैं, वी सी दैट एफिशिएंसी विल बी मैक्सिमम इफ डिनोमिनेटर इज मिनिमम। ये लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था, लेकिन इस बार कुछ लोगों का छूट गया था तो उनके लिए रिवाइज कर रहा हूँ छोटा सा। तो इसमें एफिशिएंसी विल बी मैक्सिमम में तभी आएगी जब डिनोमिनेटर आपका मिनिमम होगा, और डिनोमिनेटर आपका मिनिमम जब होगा तो उस केस में
इसकी वैल्यू जो आ रही है डिनोमिनेटर की, इट मींस दैट ये जो आपका है इसका डेरिवेटिव दैट इज वी टू कॉस फाई प्लस पी आई अपॉन आई टू प्लस आई टू आर ई एस, दिस कंपोनेंट इज इक्वल टू जीरो. तो इसका डेरिवेटिव जो आएगा वो हो जाएगा माइनस पी आई अपॉन आई टू स्क्वायर प्लस आर ई एस इज इक्वल टू जीरो. तो वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगा आपका आई टू आर ई एस इज इक्वल टू पी आई, जिससे आपकी करंट की वैल्यू जो हो जाएगी द वैल्यू ऑफ आई टू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी आई अपॉन आर ई एस. ये वैल्यू इसमें आपकी डिफाइन होगी. और अगर अपन दूसरी चीज भी लेते हैं कि जब भी कभी आपकी कॉपर लॉस की वैल्यू और आयरन लॉस की वैल्यू, ये दोनों ही लॉसेस की वैल्यू इक्वल रहेंगी, इट मींस दैट कि जो आपका एफिशिएंसी है दैट वैल्यू ऑफ एफिशिएंसी इज मैक्सिमम जब कॉपर लॉस और आयरन लॉस दोनों आपके इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, इसी तरीके से अपन ने यहाँ पे न्यूमेरिकल भी देखा था, है ना. तो न्यूमेरिकल आप लोग एक बार देख लेना, इसमें पीपीटी शेयर करी हुई है अपन ने. इसमें कुछ नहीं है, सिंपल अपन को इसमें परसेंटेज रेगुलेशन इसमें फाइंड आउट करना था. तो परसेंटेज रेगुलेशन जब भी फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए आपको दो चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपका आर ई एस कंपोनेंट है और एक्स ई एस कंपोनेंट है उसको आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो आर ई एस कंपोनेंट के लिए जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया है वो जैसे अभी रजय ने बताया था वो अपन ने यहाँ पे यूज किया है, द वैल्यू ऑफ आर ई एस इक्वल टू आर टू प्लस आर वन डैश, ये वैल्यू इसमें अपन ने ली है. सिमिलरली द वैल्यू ऑफ एक्स ई एस इक्वल टू एक्स टू प्लस एक्स वन डैश, ये वैल्यू इसमें ली. तो ये दो वैल्यू लेकर इसमें अपन चलेंगे जिससे कि आपका जो आपका इसमें ये रेगुलेशन है, सॉरी हाँ, जिससे कि जो आपका रेगुलेशन है वो आपका इसमें फाइंड आउट हो जाएगा और उसको अपन इजीली निकाल लेंगे. लैगिंग के लिए यहाँ पे प्लस साइन लिया हुआ है यहाँ पे, सिमिलरली लीडिंग के लिए यहाँ पे माइनस साइन, जो आपका फॉर्मूला है अपन, ठीक है. और इसी तरीके से एक इसमें न्यूमेरिकल अपन ने देखा था फॉर एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए, एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने के लिए तो फॉर्मूला वही है, बस इसमें आप इसमें चेंज क्या किया है, इसमें चेंज ये किया बेटा कि यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला है, जैसे कि अपना फॉर्मूला जो है वो है मान लीजिए कि आपका x मल्टीप्लाई बाय v2 i2 cos phi, ठीक है ना. अब यहाँ पे मैंने v2 i2 ना लेते हुए मान लीजिए इस v2 i2 की जगह मैंने इसमें वोल्ट एम्पियर ले लिया, ठीक है. मतलब वोल्टेज कंपोनेंट और आयरन कंपोनेंट, मतलब v2 एज सेकेंडरी साइड एंड i2 एंड सेकेंडरी साइड, ये वैल्यू ना लेते हुए मैंने क्या किया यहाँ पे इसकी पावर ले ली, मतलब P ले लिया, मतलब वोल्ट एम्पियर रेटिंग जो आपकी इसमें दी हुई है वो ले ली है, ठीक है. अब वोल्ट एम्पियर रेटिंग ले लिया, अब इसी केस में अगर इस वोल्ट एम्पियर रेटिंग की जगह यहाँ पे केवीए दिया होता है तो फॉर दैट वोल्ट एम्पियर रेटिंग अपन क्या करते हैं यहाँ पे इस वोल्ट एम्पियर रेटिंग को मल्टीप्लाई कर देते हैं थाउजेंड से, लाइक दिस, ठीक है ना. थाउजेंड से मल्टीप्लाई किया है, इसका मतलब ये जो बात हो रही है किसकी बात हो रही है, दिस इज फॉर द केवीए रेटिंग. मतलब जब केवीए रेटिंग अपन यहाँ पे लेके चल रहे हैं तो फॉर दैट केवीए रेटिंग जो आपका यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो आपकी थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब अपन यहाँ पे जो आपका न्यूमेरिकल में गिवन है, जैसे न्यूमेरिकल में गिवन क्या है यहाँ पे 25 केवीए यहाँ पे गिवन है, तो इस वैल्यू को भी अपन डायरेक्टली यहाँ पुट कर सकते हैं जैसे अपन ने किया हुआ है. क्लियर, इसमें एफिशिएंसी में या रेगुलेशन के न्यूमेरिकल में किसी को डाउट तो नहीं? वी टू आई टू कॉस फाई लिया है डिवाइड बाय वी टू आई टू कॉस फाई और यहां पे वोल्ट एम्पियर लिया हुआ है, इसका मतलब केवीए है. तो एक्स इंटू केवीए मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड cos phi divided by x into KVA multiplied by 1000 cos phi plus P iron plus x square times of P copper. Full load के लिए होगा तो यहाँ पे x की value क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और half load के लिए होगा तो यहाँ पे x की value क्या हो जाएगी, 1 by 2, मतलब 0.5. यही क्या हुआ है अपन ने यहाँ पे, सबसे पहले x की value यहाँ पे क्या किया अपन ने, full load के लिए इसको define किया है. तो जब फुल लोड के लिए इसको अपन डिफाइन कर रहे हैं तो उसके लिए जो वैल्यू आ रही है फॉर दैट वैल्यू यहाँ पुट किया हुआ है, वन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है और बाकी पैरामीटर इसमें गिवन कर दिए, ठीक है. सिमिलरली
हाफ लोड के लिए जब न्यूमेरिकल एग्जिस्ट कर रहा है तो हाफ लोड के लिए जो एक्स की वैल्यू है तो फॉर दैट द वैल्यू ऑफ एक्स इज सब्स्टिट्यूट बाय 0.5 एक्स इक्वल टू 0.5 यहाँ पुट किया हुआ है उसी को आगे अपन ने इसमें कंटिन्यू किया ठीक है। तो जो ईटा जो आया यहाँ पे फॉर हाफ लोड वो आपका 96.52 एज पर द पैरामीटर्स जो आपका इसमें वैल्यू गिवन थी ठीक है ना सर। हाँ पूछो बेटा चिन्मय। सर इसमें सर एक बार बता दीजिए cos phi की वैल्यू सर 1 कैसे लिया अपन ने। cos phi की वैल्यू अपन ने यहाँ पे इसलिए लिया हुआ क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल में गिवन दिया हुआ है कि यहाँ पे इधर देखो चिन्मय कैलकुलेट द एफिशिएंसी एट यूनिटी पावर फैक्टर ये दिया हुआ है। अच्छा सर यस ठीक है। अब यूनिटी पावर फैक्टर दिया हुआ है इसका मतलब यहाँ पे cos phi की वैल्यू क्या होगी जब भी यूनिटी पावर फैक्टर होगा तो 1 हो जाएगा ठीक है। तो वो दोनों केस के लिए फुल लोड के लिए भी और हाफ लोड के लिए भी दोनों के लिए यहाँ पे cos phi की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 क्योंकि यूनिटी पावर फैक्टर दिया हुआ है। और कोई कंफ्यूजन है इन न्यूमेरिकल में किसी को आगे बढ़े अब जो अपन इसमें आज की क्लास में जो पढ़ेंगे इसमें ट्रांसफॉर्मर में जो इसमें लास्ट टॉपिक अपना एक बच गया था इसमें वैसे तो आप लोगों ने लैब में वो टॉपिक किया हुआ है लेकिन मैं एक बार बता देता हूँ दैट इज टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर। टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर तो ट्रांसफॉर्मर दो टेस्ट होते हैं आपके। नंबर 1 इज ओपन सर्किट टेस्ट और इसको अपन दूसरा नाम ले देते हैं इसका इट इज ऑल्सो कॉल्ड नो लोड टेस्ट ठीक है। एंड द सेकेंड 1 इज शॉर्ट सर्किट टेस्ट और इम्पीडेंस टेस्ट क्लियर। तो यहां पे इस जगह या तो आपका ओपन सर्किट टेस्ट अपन लेके चलेंगे या फिर शॉर्ट सर्किट ले चलेंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे मैं आपको ओपन सर्किट टेस्ट के बारे में बताता हूँ कि किस तरीके से अपन इसको क्यों अपन इसको नो लोड टेस्ट बोल रहे हैं और कौन कौन से इसमें पैरामीटर से फाइंड आउट करते हैं। तो इनिशियली जो ओपन सर्किट टेस्ट अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे अपन एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर कनेक्ट कर लेते हैं लाइक दिस ठीक है। ये अपन ने एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर कनेक्ट किया है। अब इस ऑटो ट्रांसफॉर्मर के बाद यहाँ पे एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया जाता है। इस वोल्ट मीटर का मैं काम बताता हूं आपको क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो सप्लाई आ रही है वो आपकी 0 मतलब यहाँ पे जो अपन ने इनिशियली जो अपन ने 0 नहीं जो सप्लाई अपन यहाँ पे लेके चल रहे हैं इनपुट सप्लाई वो मान के चलिए आपकी 230 वोल्ट एसी ठीक है। अब ट्रांसफार्मर का काम क्या रहता है कि ट्रांसफार्मर जो क्या करता है जो भी आपकी इनपुट सप्लाई है मतलब वोल्टेज है उस वोल्टेज को वेरी करेगा। अब वेरी करेगा इसका मतलब ट्रांसफार्मर में जो वेरिएशन रहता है वो 0 to 270 वोल्ट तक अपन वेरी कर सकते हैं ठीक है ना। लेकिन जो अपन ट्रांसफार्मर लेते हैं उसके अकॉर्डिंगली उसको वेरी करते हैं। मतलब अगर अपन ने 230 वोल्ट की सप्लाई ली है तो अपन मान के चलेंगे कि अपन इसको 230 वोल्ट तक इसको वेरी कर रहे हैं। अब अगर इसको 230 वोल्ट तक अपन वेरी कर रहे हैं इट मींस दैट कि यहाँ पे जो भी वोल्टेज आ रहा है मतलब अकॉर्डिंग टू द टैपिंग ऑफ ट्रांसफार्मर यहाँ पे भी अपन इसकी टैपिंग को इसको रोटेट जो उसमें रोटेट अपन कर रहे हैं ट्रांसफार्मर को ऑटो ट्रांसफार्मर को जहां पे भी अपन रोकते हैं मान लीजिए मैंने इसको 70 वोल्ट पे रोका ठीक है। तो इस वोल्ट मीटर का काम क्या रहेगा ये वोल्ट मीटर यहाँ पे वो 70 वोल्ट यहाँ पे इस वोल्ट मीटर में आपका एग्जिस्ट हो जाएगा ठीक है। फिर इसके बाद अपन क्या करेंगे यहाँ पे इन दिस सर्किट यहाँ अपन एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट करेंगे लाइक दिस
एक वाटमीटर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और जैसे अपन ने पैरेलल में यहाँ पे वोल्टमीटर कनेक्ट किया हुआ है वैसे सीरीज में अपन एक एमीटर कनेक्ट करेंगे। आप चाहे तो एमीटर को पहले भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे एमीटर कनेक्ट कर दिया जिससे अपन ये देख लेंगे कि यहाँ पे प्राइमरी साइड जो करंट जो आपका फ्लो हो रहा है उस करंट की वैल्यू क्या है। फिर अपन यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मर यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे लाइक दिस। तो यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मर अपने कनेक्ट कर दिया ये, इस तरीके से। ठीक है, और इसको अपन ने नंबर ऑफ वाइंडिंग्स यहाँ पे लगा ली लाइक दिस, प्राइमरी वाइंडिंग। And similarly, secondary winding, इस तरीके से। ठीक है, like this। ठीक है, तो ओपन सर्किट है, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे वोल्ट मीटर, एमीटर और वॉट मीटर, ये अपन ने तीन कंपोनेंट कनेक्ट किए हुए हैं। अब वॉट मीटर में आपका वोल्टेज भी कनेक्ट हो रहा है और करंट भी कनेक्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या मिलेगी आपको, पावर रेटिंग मिलेगी। और जो भी पावर रेटिंग अपन यहाँ पे आपकी आती है उस पावर रेटिंग को अपन क्या लेके चलते हैं कि वो एक्चुअल में एक तरीके का आपको लॉस कंपोनेंट आपको इंडिकेट कर रहा है। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे ओपन सर्किट टेस्ट से जो अपन यहाँ पे लॉस को फाइंड आउट करते हैं वो कौन सा लॉस निकालते हैं बताएं, विच लॉस यू गेट इन द ओपन सर्किट टेस्ट? आयरन लॉस। हाँ, आयरन लॉस या फिर और क्या बोल सकते हैं इसमें, कोर लॉस। yes. ठीक है ना, दोनों का बात एक ही है। तो यहाँ पे जो आपको जो भी आपका इसमें करंट फ्लो हो रहा है वो अपने करंट की वैल्यू ले लिया, या आपका प्राइमरी साइड हो गया या आपका सेकेंडरी साइड हो गया। ठीक है ना, नो लोड टेस्ट है, इसका मतलब कि यहाँ पे इसके सेकेंडरी में आपने कोई भी करंट फ्लो नहीं करा रहे हैं। इट मीन्स दैट यहाँ पे आप कोई भी इसमें लोड कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, समझ आया? तो यही चीज अपन किसके लिए चलते हैं, दिस थिंग इज यूज फॉर टेकिंग द ओपन सर्किट टेस्ट कंडीशन। ओपन सर्किट टेस्ट कंडीशन में अपन यही चीज लेके चलते हैं कि यहाँ पे कोई सा भी इसमें फॉर दैट कोई लोड कनेक्ट नहीं होगा। लोड कनेक्ट नहीं होगा मतलब इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा तो यहाँ पे सेकेंडरी में कोई भी आपका यहाँ पे शॉर्ट सर्किट बिहेवियर नहीं होगा, ये आपका हमेशा ओपन रहेगा। ठीक है, इसीलिए अपन इसको ओपन सर्किट टेस्ट भी बोलते हैं क्योंकि अपन ने इसमें सेकेंडरी साइड इसकी ओपन रखी हुई है और इनिशियली इसमें नो लोड की तरह इसको कंसीडर करके चल रहे हैं। डायग्राम बना लिया सबने? आगे बढ़े, ठीक है। एक तो ये हो गया अपना, सो इसके बारे में अपन लिखेंगे द पर्पस ऑफ दिस टेस्ट, मतलब ओपन सर्किट टेस्ट का जो पर्पस है वो क्या है। द पर्पस ऑफ टेस्ट इज टू डिटरमाइन द कोर, ब्रैकेट में कोर या फिर इसको हम बोलते हैं और आयरन और एक्साइटेशन, एक्साइटेशन ही बोलते हैं उसको कभी कभी, कोर और आयरन और एक्साइटेशन लॉस। ठीक है, या तो अपन इसमें इसका आयरन लॉस निकाल लेंगे, इट इसको क्या बोलेंगे अपन, पी आई, एंड
इसमें अपन नो लोड करंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें नो लोड करंट आई नॉट एंड, और इसी के साथ साथ जैसे कि अपन ने इक्विवेलेंट सर्किट बनाया था जब अपन ने लॉस कंसीडर किए थे, तो वहां पे अपन ने एक शंट पैरामीटर भी लिया था, ठीक है ना, तो जिसको अपन ने इंडिकेट किया था एंड देयर बाय द शंट ब्रांच पैरामीटर्स, ठीक है, द शंट ब्रांच पैरामीटर्स। कौन कौन से पैरामीटर थे शंट ब्रांच के आपके? आर नॉट एंड, किसी किसी भी में एक्स एम दिया हुआ है, किसी किसी में एक्स नॉट दिया हुआ है, ठीक है, आर नॉट एंड एक्स नॉट ऑफ द इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है ना, तो जब भी कभी आपकी इसमें ओपन सर्किट टेस्ट की बात होगी तो इसका मेन पर्पस क्या रहेगा? इसका मेन पर्पस यही है कि इसमें या तो आपको सबसे पहले इसमें लॉस निकालना हो, या फिर इसमें आपको इसमें आपका नो लोड करंट निकालना हो, या फिर उसमें जो भी शंट ब्रांच के पैरामीटर हैं वो वैल्यू इसमें आपको फाइंड आउट करनी हो, ठीक है ना। तो जो इसमें अपना पैरामीटर अपन फाइंड आउट करते हैं उसमें एक तो अपन इसमें आई ई की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, आई ई है या फिर आई म्यू भी बोलते हैं उसको अपन, I नॉट ऑफ cos phi, ये आपका निकल जाता है जितना भी आपका पावर मतलब लॉस कंपोनेंट आ रहा है वॉट मीटर में जो रीडिंग आ रही है वो, और डिवाइड बाय आपका जितना भी आपका इसमें वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है, इससे अपन फाइंड आउट कर सकते हैं I ही। सिमिलरली जो आई एम अपन फाइंड आउट करते हैं, वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ आई एम इक्वल टू I नॉट स्क्वायर माइनस आई ई स्क्वायर, ये वैल्यू अपन फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। और जैसे अपन को आई और ये वाली वैल्यू निकल के आएगी वैसे इसमें अपन आर वन की वैल्यू, आर नॉट की वैल्यू, इट इज उसमें जो आपका करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे अपन ने एक शंट पैरामीटर लिया था ना लाइक दिस, ये जो वैल्यू अपन ने शंट ब्रांच लिया था इसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं अपन, है ना, यहाँ पे इसको अपन आर नॉट और एक्स नॉट अगर लेके चल रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आर नॉट में मैं करंट फ्लो करा रहा हूँ इसमें आई ई, और एक्स नॉट में मैं करंट फ्लो करा रहा हूँ इसमें आई एम, टोटल करंट इसमें कितना आ रहा है यहाँ पे आई नॉट, समझ याद आया, जो अपन ने शंट ब्रांच इसमें कनेक्ट किया था उसी का बाइफर्केशन अपन यहाँ पे कर रहे हैं, वी वन अपॉन आई ई, या फिर इसको अपन और किससे इंडिकेट करते हैं, जैसे अपन ने आई की वैल्यू लिखा है पी नॉट अपॉन वी वन, तो इसको वी ऑल्सो यूज द कंपोनेंट ऑफ आर वन एज द कंपोनेंट, आर वन, आर वन का जो कंपोनेंट आएगा वो इसमें वैल्यू आएगी आपकी वी वन स्क्वायर बाय पी नॉट, इससे भी अपन इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है ना, और x नॉट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें अपन, अपन वैल्यू ऑफ x नॉट जो यहाँ पे आ रहा है v1 मतलब इनपुट वोल्टेज जो रहेगा वो, और कितना इसमें करंट आपका इसमें कनेक्टेड है आई एम, इज ऑल्सो से दैट v1 अपॉन आई नॉट का स्क्वायर माइनस आई ई का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये आपके सिंपल शंट ब्रांच के पैरामीटर्स हैं, इन पैरामीटर्स को भी अपन अपना न्यूमेरिकल में यूज करके इन पैरामीटर्स की वैल्यू भी अपन फाइंड आउट कर सकते हैं जब भी कभी अपन इसमें ओपन सर्किट टेस्ट की कंडीशन यहाँ पे लेके चलेंगे, इस आर नॉट की वैल्यू या एक्स नॉट की वैल्यू इन दोनों के लिए ये वैल्यू अपना इजिली इसमें अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम हो मुझे तो बताएं फॉर ओपन सर्किट टेस्ट। लॉस ले लिया आपने, लॉस के साथ साथ आपने इसमें नो लोड करंट ले लिया, कितना नो लोड करंट इसमें अपन को मिल रहा है, और अपन ने ये भी ले लिया इसमें इसके साथ ही कि इसमें कितना आपका जो भी आपका इसमें शंट ब्रांच का पैरामीटर है वो पैरामीटर्स कैसे निकल के आ रहा है ये भी अपन ने इसमें फाइंड आउट कर लिया। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताए अभी, फिर अपन आगे बढ़े इसमें।
बेटा बेटा कोई डाउट हो तो इसमें। ठीक है, मतलब इसमें हो क्या रहा है, इसमें जनरली अगर अपन ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो उसमें जो आपकी ऑब्जर्वेशन टेबल अपन बना के चलते हैं, तो ऑब्जर्वेशन टेबल की अगर मैं बात करूं आप लोगों से फॉर दिस ओपन सर्किट टेस्ट, तो उसकी ऑब्जर्वेशन टेबल अपन किस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से। उसमें क्या क्या कंपोनेंट आ जाता है, एक तो आपका आ जाता है इसमें वी नॉट, ठीक है, कितना आपका इसमें करंट आ रहा है, आई नॉट आ जाता है, सॉरी कितना आपका वोल्टेज आ रहा है, वोल्ट मीटर रीडिंग आ जाती है इसमें, आई नॉट आ जाता है और डब्ल्यू नॉट आ जाता है ना, डब्ल्यू मतलब पी नॉट। ये तीन वैल्यू यहाँ पे आपकी इसमें एग्जिस्ट करती हैं जब अपन कोई कभी भी इसमें इसका ओपन सर्किट को इसमें यूज करते हैं, और उसी से अपन इसमें इसकी पैरामीटर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं कि इस तरीके से इसकी पैरामीटर की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट जो टेस्ट है इसमें आपका द इंपॉर्टेंट टेस्टिंग फॉर दैट इज नेक्स्ट वन इज शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए भी आपका जो एक चीज ध्यान रखते हैं हमेशा, यहाँ पे जो अपन ने ओपन सर्किट टेस्ट किया है वो अपन ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इनपुट में जो आपके नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कम है, आउटपुट में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, मतलब लो वोल्टेज साइड आपने इसको परफॉर्म किया है ओपन सर्किट टेस्ट को। और जब भी कभी अपन शॉर्ट सर्किट टेस्ट को परफॉर्म करते हैं तो इट इज ऑलवेज मेजर्ड एज द हाई वोल्टेज साइड, हाई वोल्टेज साइड को उसको अपन परफॉर्म करते हैं, मतलब ठीक है जो अपन अपना इसमें कनेक्शन होता है, जैसे सबसे पहले इसके कनेक्शन के लिए मैं आपको बनाता हूं इसका डायग्राम। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए सबसे पहले क्या किया, इनिशियली यहां पे अपन एक ऑटो ट्रांसफार्मर इसमें ड्रॉ किया लाइक दिस, ठीक है। अब इस ऑटो ट्रांसफार्मर के बाद यहां पे अपन ने एक क्या किया है, इन दिस वी टेक वन वोल्ट मीटर हेयर, यहां वोल्ट मीटर ले लिया अपन ने इस तरीके से, है ना। फिर वोल्ट मीटर के बाद यहाँ पे एक यहाँ पे वॉट मीटर एग्जिस्ट कर रहा है लाइक दिस, ये वॉट मीटर आ गया यहाँ पे जैसे अपन ने पहले किया था। फिर आपका एमीटर, है ना, और इसको अपन ने दिस इज कनेक्टेड अक्रॉस द हाई वोल्टेज साइड ऑफ अ ट्रांसफार्मर, हाई वोल्टेज वाइंडिंग के साइड इसको अपन कनेक्ट करेंगे। मान लीजिए आपने ट्रांसफॉर्मर यहाँ पे ड्रॉ किया इस तरीके से, लाइक दिस, यहां पे इस साइड नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रहेंगे बिकॉज इनपुट में जो आपका हाई वोल्टेज साइड है इसके लिए अपन कनेक्ट कर रहे हैं इसको लाइक दिस, ठीक है। और आउटपुट के लिए अपन यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स ले लेंगे इस तरीके से, यहां पे दिस नंबर ऑफ टर्न्स इज लेस, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की तरह काम कर रहे हैं यहां पे, ठीक है। और यहां पे एक एमीटर कनेक्ट करेंगे अपन लाइक दिस। और एक चीज और है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट है, इट मींस दैट यहां पे अब ये सेकेंडरी वाइंडिंग जो रहेगी दिस इज बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट लाइक दिस, ठीक है। अब यहां पे क्या किया अपन ने, इधर की साइड अपन ने यहां पे इसको सेकेंडरी साइड को इसको अपन ने शॉर्ट किया हुआ है, और अब जो अपन इसे पैरामीटर लेंगे, जो वैल्यू लेंगे वो ये ले लेंगे कि यहां पे इसके अक्रॉस जो वोल्टेज मान लीजिए कि V2 मिल रहा है फॉर शॉर्ट सर्किट कंडीशन, ठीक है।
जो इस प्राइमरी साइड यहाँ पे वो वोल्ट मीटर में मिल रहा है, और मान लीजिए जो करंट जो आपका फ्लो हो रहा है वो यहाँ पे आई टू एस सी। अब आई टू मतलब यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, क्योंकि अपन ने इसको हाई वोल्टेज साइड इसको कनेक्ट किया हुआ है, इसलिए इन पैरामीटर्स को अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे इसको वी टू और आई टू इस तरीके से इसमें अपन नाम लेके चल रहे हैं। और नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे इसको अपन ले रहे हैं एन टू और ये आपका एन वन। ठीक है, मतलब यहाँ पे अपन ने हाई वोल्टेज साइड सप्लाई दे दी है और जो आपका लो वोल्टेज साइड था उसको अपन ने सिंपल शॉर्ट किया हुआ है। इस तरीके से अपन शॉर्ट सर्किट टेस्ट को इसमें एनालाइज करते हैं। ठीक है, और जो पैरामीटर इसमें अपन फाइंड आउट करते हैं वो इसमें अपने दो पैरामीटर आते हैं। सबसे पहले तो क्योंकि यहाँ पे इनपुट में भी करंट है आउटपुट में भी करंट है, तो सबसे पहले जो इसमें अपन फाइंड आउट करते हैं वी कैन यूज द फुल लोड कॉपर लॉस। मतलब यहाँ पे शॉर्ट सर्किट टेस्ट से जो भी आपकी वॉट मीटर रीडिंग अपन इंडिकेट करते हैं उससे अपन कॉपर लॉस को इंडिकेट कर देते हैं। यहाँ पे फुल लोड कॉपर लॉस यहाँ निकाल सकते हैं अपन यहाँ पे, एंड और क्या निकाल सकते हैं इसमें अपना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस रेफर्ड टू मीटरिंग साइड। ठीक है ना, तो इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रिएक्टेंस इसकी वैल्यू भी अपन इसमें फाइंड आउट करते हैं जब भी कभी अपन शॉर्ट सर्किट टेस्ट की वैल्यू इसमें इंडिकेट करते हैं या शॉर्ट सर्किट टेस्ट अपन परफॉर्म करते हैं। क्लियर, समझ आया? ये आपने लैब में भी ये वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया होगा आप लोगों ने। यहां तक इसमें कोई डाउट हो तो बताए। हाँ संजय भार्गव उधर बैठते हैं वो, कंडक्शन होता है उसके नीचे, एग्जाम जहां पे होता था ना, हाँ उसके नीचे। ठीक है, तो यहां पे फुल लोड कॉपर लॉस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस ये अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। इधर की साइड कर रहे हैं अपन यहाँ पे, इसको रिफर कर रहे हैं टू मीटरिंग्स। इसमें किसी को डाउट हो तो मुझसे पूछें अभी। ठीक है, अब इसमें अपन इसको कंपोनेंट्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि यहां पे लाइक दिस, फॉर दिस लेट द वॉट मीटर रीडिंग, जो वॉट मीटर रीडिंग आ रही है आपकी वो मान के चल रहे हैं अपन डब्ल्यू सी मान के चल रहे हैं। सो द फुल लोड कॉपर लॉस, ठीक है, फुल लोड कॉपर लॉस क्या होगा यहाँ पे, That is the value of PC. PC की जो value यहाँ पे अपन find out करेंगे, क्योंकि आपका यहाँ पे current दोनों जगह exist कर रहा है, इसको अपन ले लेंगे एक तो full load के लिए और एक जहाँ अपन ने इसको exist कर रहे है, I to FL divided by I to SC square of WC. ठीक है ना। और यहां पे जो डब्ल्यू सी की वैल्यू जो रहेगी आपकी, एंड डब्ल्यू सी जो यहां पे ले रहे हैं अपन कॉपर लॉस, दिस इज इक्वल टू आई टू स्क्वायर ऑफ एस सी, जो अपन ने इसमें फाइंड आउट किया हुआ है यहां पे आई टू स्क्वायर ऑफ एस सी इंटू आर एस। ठीक है, मतलब इसमें क्या कर रहे हैं अपन, मैं आपको बताता हूं। यहां पे अपन लोग इसमें पैरामीटर फाइंड आउट कर रहे हैं, तो पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए फॉर दैट इसमें जो वैल्यू आ रही है, द वैल्यू ऑफ आर ई एस इज इक्वल टू डब्ल्यू सी डिवाइड बाय
आई टू स्क्वायर एस ई, मतलब कितना इसमें जो आपने वॉट मीटर रीडिंग से जो आपको निकाल रहा है वो आपका कितना निकल के आ रहा है इसमें, और कितना इसमें करंट आ रहा है, वो दोनों वैल्यू इसमें अपन फाइंड आउट कर रहे हैं। एक सेकंड, आवाज तो आ रही है। हाँ, आवाज तो आ रही है। चलिए, समझ आया? जो पैरामीटर फर्स्ट पैरामीटर अपन ने निकाला है, सिमिलरली एक और पैरामीटर जो अपना निकलेगा वो निकलेगा इसमें वोल्टेज। तो V इक्वल टू आई जेड से अपन इसमें वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, आई टू एस सी डिवाइड बाय जेड ई एस, जिससे आपका जेड ई एस की वैल्यू आ जाएगी। तो जेड ई एस की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, जितना आपका वोल्टेज गिवन है वी टू आई वी टू एस सी डिवाइड बाय आई टू एस सी, इस तरीके से अपन इसका इम्पीडेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आर ई एस फाइंड आउट कर लिया आपने, इसमें जेड ई एस फाइंड आउट कर लिया, तो इन दोनों की हेल्प से वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द पैरामीटर ऑफ एक्स ई एस। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ एक्स ई एस इसमें पैरामीटर अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक्स ई एस की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, जेड ई एस का स्क्वायर माइनस आर ई एस का स्क्वायर, like this। इस तरीके से बताए बेटा, इसमें कोई डाउट हो तो मुझे बताएं। जो अभी तक अपन ने किया यहाँ पे, मतलब सबसे पहले अपन ने क्या किया इसमें, वी सी द वैल्यू ऑफ वॉट मीटर रीडिंग। तो उस वॉट मीटर रीडिंग के बाद अपन ने इसमें क्या किया, आई स्क्वायर आर से, मतलब जो कॉपर लॉस है, सिंपल वॉट मीटर रीडिंग है इसका, मतलब अपन जो भी इसमें कॉपर लॉस इंडिकेट कर रहे हैं वो अपन वॉट मीटर से कर रहे हैं। तो कॉपर लॉस जो अपना इंडिकेट हो रहा है वो आपका किससे हो रहा है, यहाँ पे जो वैल्यू अपन गिवन है वो आपकी गिवन दो वैल्यू आ रही है, एक है आपका आई टू एस सी, एक है आपका वी टू एस सी, मतलब वोल्टेज ड्यूरिंग द शॉर्ट सर्किट कंडीशन एंड करंट ड्यूरिंग द शॉर्ट सर्किट कंडीशन, ये जो आपका वैल्यू आई है उससे जो अपन ने वोल्टेज की वॉट मीटर रीडिंग जो अपन ने लिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू सी इक्वल टू आई टू स्क्वायर आर ई एस, सिंपल, क्योंकि कॉपर लॉस पी सी इक्वल टू आई स्क्वायर आर सी से अपन निकालते हैं। तो उससे जो आपकी वैल्यू आई आर ई एस की, जो वैल्यू अपन ने फाइंड आउट करी है वो क्या वैल्यू आई फाइंड आउट हुई है, वो आ गई आपकी डब्ल्यू सी अपॉन आई टू स्क्वायर आर ई एस। ठीक है, उसके बाद अपन ने इसमें क्या किया कि आपका उसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप है वो देख लिया, एंड द वोल्टेज ड्रॉप है आपका वी टू एस सी इक्वल टू आई टू एस सी मल्टीप्लाई बाय जेड ई एस। तो उससे जो जेड ई एस की वैल्यू जो आई है वो हो गई आपकी वी टू एस सी डिवाइड बाय आई टू एस। ठीक है, ये सारे टर्म्स एक्चुअली में क्या है ना, जब अपन न्यूमेरिकल करेंगे ना तो उस टाइम पे अपने बहुत काम आएंगे, जब अपन ये शॉर्ट सर्किट का टेस्ट और ओपन सर्किट टेस्ट इसके जब अपन न्यूमेरिकल परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो इसमें तीन पैरामीटर पर वो ध्यान रखने हैं, एक तो आपका फुल लोड अपन ने इसमें लिखा हुआ है कि इसमें अपन को कॉपर लॉस तो निकालना ही निकालना है, उसकी वैल्यू तो अपन को इसमें इंडिकेट करनी ही है, और उसी के साथ साथ उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस। तो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस अपन ने इस तरीके से निकाल लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई है आर ई एस और रिएक्टेंस की वैल्यू आ गई आपकी दिस एक्स ई एस, और इक्विवेलेंट इसमें इंपीडेंस में निकाल लिया अपन। तो तीन पैरामीटर्स अपन इसमें लेके चलेंगे, आर ई एस, रेड ई एस और एक्स ई एस। ठीक है, समझ आया सबको किस तरीके से अपन ने अलग अलग डिफरेंट पैरामीटर्स फाइंड आउट करे हैं फॉर ओपन सर्किट टेस्ट कंडीशन एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट कंडीशन। क्लास बताएं बेटा, लिख लिया है सबने क्या, अपन ने कौन कौन से इसमें पैरामीटर्स में लिए हुए हैं?
बताएं बेटा, आगे बढ़े। यस सर, है ना। अब जो अपन ने ओपन सर्किट टेस्ट और सर्किट टेस्ट से परफॉर्म किया है, अब अपन उससे रिलेटेड इसके अपन क्या कर लेंगे, इसका न्यूमेरिकल। ठीक है, तो इसका न्यूमेरिकल लिखिए सभी लोग, न्यूमेरिकल लिख लेते हैं। अगर आज टाइम होगा तो आज सॉल्व करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, तो लिखिए इसमें द फॉलोइंग टेस्ट डाटा इज ऑब्टेन्ड, द फॉलोइंग टेस्ट डाटा इज ऑब्टेन्ड ऑन अ 5 KVA ऑन अ 5 KVA 220/440 volt। फिर से रिपीट कर रहा हूं, द फॉलोइंग टेस्ट डाटा इज ऑब्टेन्ड ऑन 5 KVA 220/440 volt सिंगल फेस ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, क्या है इसमें, अपन ने एक टेस्ट डाटा इसमें अपन फाइंड आउट कर रहे हैं, जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें अपन ने यहाँ पे जो रेटिंग है ट्रांसफार्मर की वो है आपकी 5 KVA और 220/440 volt सप्लाई इसमें है और सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ठीक है, सबसे पहले ओपन सर्किट टेस्ट से जो डाटा निकल के आया है, मतलब उसमें जो डाटा आई है वो आई है वोल्ट मीटर की जो रीडिंग आई है वो आपकी आई है 220 volt, एमीटर की जो रीडिंग जो निकल के आई है वो आई है आपकी 2 एम्पियर, और वॉट मीटर की रीडिंग जो निकल के फाइंड आउट हुई है वो आई है यहाँ पे इसकी 100 वॉट। किस साइड है कि इस परफॉर्म किया है, ऑन LV साइड। LV का मतलब ये है कि ये लो वोल्टेज साइड अपन ने परफॉर्म किया हुआ। ठीक है, समझ आया। ओपन सर्किट टेस्ट में जो वैल्यू निकल के इसमें गिवन है वो है आपका 220 वोल्ट 2 एम्पियर 100 वॉट ऑन LV साइड। सिमिलरली अपन शॉर्ट सर्किट टेस्ट की बात करेंगे AC में, तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या हो जाएगा आपका 40 वोल्ट 11.4 एम्पियर 200 वॉट ऑन HV साइड। मतलब वोल्टेज यहां पे जो है शॉर्ट सर्किट टेस्ट में वो है आपका 40 वोल्ट, करंट है आपका इसमें 11.4 एम्पियर, और जो वॉट मीटर की जो रीडिंग है वो है यहां पे कितनी 200 वॉट ऑन हाई वोल्टेज साइड। ठीक है, नाउ डिटरमाइन द परसेंटेज एफिशिएंसी एंड रेगुलेशन Determine the percentage regulation efficiency and regulation at full load, मतलब x यहाँ पे 1 ही है, full load 0.9 power factor lag, 0.9 power factor lag। ठीक है, मतलब फॉलोइंग टेस्ट डाटा इज ऑब्टेन्ड ऑन 5 KVA 220/440 volt सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, उसमें ओपन सर्किट टेस्ट की कंडीशन दी हुई है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट की कंडीशन दी हुई है, और इसमें डिटरमाइन क्या करना है, अपन को डिटरमाइन करना है परसेंटेज एफिशिएंसी एंड रेगुलेशन एट फुल लोड 0.9 पावर फैक्टर लैग। इसके लिए अपन को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन इसमें कि जो एफिशिएंसी को अपन फाइंड आउट करना है, तो एफिशिएंसी को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे अपन ये देखेंगे कि यहाँ पे आयरन लॉस की वैल्यू और कॉपर लॉस की वैल्यू ये क्या है, ठीक है ना। तो कोई बताएगा मुझे कि इस गिवन न्यूमेरिकल में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयरन लॉस एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉपर लॉस, इन दोनों की वैल्यू क्या है, कोई भी बताए। बताओ बेटा यहाँ पे आयरन लॉस की वैल्यू और कॉपर लॉस की वैल्यू वो क्या है इस न्यूमेरिकल में, क्या गिवन दी हुई है, बताए बेटा। बताए कोई भी बता दे। बताओ बेटा कोई भी। फ्रॉम ओपन सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट से अपनी कौन सा लॉस निकलता है अपन को बताओ। बताओ ओपन सर्किट टेस्ट से कौन सा लॉस निकल के आता है आपको, आयरन लॉस कौन सा, आयरन। हाँ वेरी गुड। तो ओपन सर्किट टेस्ट से आपका आयरन लॉस निकलता है, ठीक है। अब इट मींस दैट, अब ये बताएं मेरे को कि आयरन लॉस कंपोनेंट कौन सा है इसमें, वोल्ट मीटर रीडिंग है, एमीटर रीडिंग है या फिर वॉट मीटर रीडिंग है, वोल्ट मीटर, कौन सा, 100 वोल्ट, 100 वॉट, ठीक है। मतलब पी आई की जो वैल्यू है वो है आपका यहाँ पे 100 वॉट, ठीक है। जो आयरन लॉस की वैल्यू हमेशा जब भी कभी अपन ओपन सर्किट टेस्ट होंगे तो जो वॉट मीटर रीडिंग इंडिकेट होगी वो आपका उसका आयरन लॉस कंपोनेंट होगा, और सिमिलरली फ्रॉम शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो कॉपर लॉस की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी होगी, कॉपर लॉस की वैल्यू बताएं, 200 वॉट, ठीक है, इस तरीके से, क्लियर। तो आप लोग इसका एफिशिएंसी और रेगुलेशन इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करना, और नेक्स्ट क्लास में अपन इसको कंटिन्यू करेंगे इस न्यूमेरिकल को, जो आपके ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट के न्यूमेरिकल हैं इनको अपन लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। That's all for today class. Thank you. कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं अभी। No sir, thank you sir. चलिए ओके बेटा, थैंक यू। ठीक है, तो एक बार इसको ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट एक बार इसको आप देखना बुक से, तो इसको कंटिन्यू करके इसके न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यस सर, ओके।